52% आबादी। लेकिन आप उठा के देखिए, मैं आपसे फिर कहता हूं, मैं 4 साल से देख रहा हूं पिछड़ों के साथ धोखा। चाहे 12,500 शिक्षक भर्ती हुई हो, चाहे 68,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, आखिर में पिछड़ों के साथ ही धोखा क्यों? क्या वजह है उनके साथ? क्या कमजोरी है? क्या सरकार की मंशा है? क्या नीयत है? आप तय करते हो, आप तय करते हो स्क्रीनिंग परीक्षा का श्रेणीवार तक आप अंक निर्धारित करते हो और सामान्य वर्ग का आप बना देते हो 64%, कि वो 64% पाएगा पास और पिछड़ा 87% पाएगा तो पास, 81% अनुसूचित जाति झंझट भी पाएगा तो पास। नहीं, हम तो हिंदी पढ़े हैं, नहीं पढ़ रहा हूं। 12-14 हजार सुरेंद्र भाई, 14,000-69,000 में पिछड़ों का हिस्सा आप लोगों ने लूट लिया है। ये ढंग की चोट पर मैं कहता हूं, पिछड़ों के साथ धोखा, पिछड़ों के साथ धोखा, पिछड़ों के साथ न्याय नहीं मिलता। मान्यवर, चाहे थाना हो, चाहे खिलाफ हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिला हो, अधिष्ठाता महोदय, हर जगह पिछड़े दलित के साथ धोखा हो रहा है। थाने पर जाति पूछ करके न्याय, जाति पूछ करके मारा जा रहा है, जाति पूछ के गाली दिया जा रहा है। ये थानों का हाल है, क्या कहा जाए थानेदारों की हाल। 1700 थाने हैं, सबका साथ सबका विकास की बात होती है। 1700 थाने में 52% आबादी पिछड़ों की है, पिछड़ों को हिस्सेदारी नहीं। 75 जिले हैं, उनको हिस्सेदारी नहीं। जब हिस्सेदारी की बात करिए तो बुरा लगता है, तब बुरा लगता है कि ओमप्रकाश राजभर हिस्सेदारी की बात क्यों करता है। हमारी बात अगर नहीं सुनी जाएगी, हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम हिस्सेदारी क्षेत्र की जो समस्या है, जो हमारी हिस्सेदारी नहीं मिल रही, उसको लड़ने के लिए यहाँ आए हैं। इस नाते मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये धोखा धोखे पे धोखा होता जा रहा है पिछड़ों के साथ। इस नाते सदन में बैठे हुए लोगों से भी कहूंगा कि देखो भाई, इस धोखे के प्रति अगर आप लोग नहीं साथ दोगे पिछड़ों का, तो कल ये पिछड़ा फिर विचार करेगा आपके विषय में और बढ़िया से विचार करेगा।